मैं साक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। मीनाक्षी लेखी 2014 में इनका टिकट कटने ही वाला था लेकिन उन्होंने राज्य और माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ पिटीशन डाली। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, जो उनका उस वक्त का इलेक्शन कैंपेन था। राहुल गांधी का वो बयान गलत बयान ही था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत ढंग से कोर्ट किया था। मीनाक्षी लेखी ने उसके खिलाफ पिटीशन डाली, खुद वकील के तौर पर अपीयर हुई और राहुल गांधी को अनकंडीशनल एपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी। चूंकि हर्षवर्धन जी को हटाया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना के दूसरी लहर में असफलता के चलते, इसीलिए दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पर मीनाक्षी लेखी को, महिला भी है, मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया है। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी क्लेम टू फेम इनका ये है, इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि मात्र 30 साल की उम्र में बिहार सरकार में वो मंत्री बन गई थी। 4 टर्म की विधायक रही हैं, झारखंड में मंत्री रह चुकी हैं। अन्नपूर्णा देवी को उनकी प्रशासनिक कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है, 2 बार मंत्री रह चुकी हैं, साथ ही साथ कोडरमा झारखंड से सांसद है, झारखंड को प्रतिनिधित्व दिया जाना था कैबिनेट के अंदर और अब अन्नपूर्णा देवी के तौर पर झारखंड को प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला चेहरा बनेंगी मोदी सरकार का। श्री ए नारायण स्वामी। ஆனைக்கல் அப்பையா நாராயணசாமி டூ சோலம்லி அஃபர்ம் தட் ஐ வில் பே ட்ரூ ஃபைத் அண்ட் அலிஜியன்ஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா ஆஸ் பை லா எஸ்டாப்ஸ் தட் ஐ வில் அபோல் தி சாவரின்டி அண்ட் இன்டிகிரிட்டி ஆஃப் இண்டியா தட் ஐ வில் ஃபைத்ஃபுல்லி அண்ட் கான்சியஸ்லி டிஸ்சார்ஜ் மை டியூட்டீஸ் ஆஸ் ஏ மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் யூனியன் அண்ட் தட் ஐ வில் டூ ரைட் டு தி ஆல் மேனர்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தி லா without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbaya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union exists as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
ए नारायण स्वामी, विशेषता इनकी ये है, 4 टर्म के मिले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लॉयल कार्यकर्ता हैं, प्रमोट किया गया है इन्हें, अब मंत्री बनाया गया है, फर्स्ट टाइम के सांसद हैं, उसके बावजूद भी मंत्री बनाया गया है, इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जब वो मिनिस्टर थे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। ए नारायण स्वामी जो हैं वो चित्रदुर्ग कर्नाटका से इस वक्त फर्स्ट टाइम लोकसभा के मेंबर हैं, कर्नाटक से हैं, कर्नाटक पर बीजेपी की खास नज़र है।